चैन दोस्तों दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में टॉपिक कौन सा है तो सबसे पहले टॉपिक देख लें, वर्णमाला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग को हमने एक किया है, कंप्लीट करेंगे, राइट, एक साथ में कंप्लीट करेंगे पूरा। तो यहाँ पर इसकी जो बेसिक क्लास है वो कल हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल स्टडी क्लास 25 पर आप देख सकते हैं, या इस वीडियो को खत्म होने के बाद में इसी वीडियो के स्क्रीन पर आपको लास्ट में दिख जाएगी पहली वाली क्लास। ठीक है, तो उसको भी देख लेना है। यदि पहले उसको देखना है तो उसको भी देख सकते हैं इसी चैनल पर, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि ये जो क्लास है रीजनिंग की, ये किसके किसके लिए है, तो ये सभी एग्जाम के लिए है जिसमें रीजनिंग आती है, राइट, स्पेशली पटवारी, MPSI, फॉरेस्ट गार्ड और SSC, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सवाल में, कौन से प्रश्न में कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है। ठीक है, यदि ये सीख लिया तो हर एक सवाल को बहुत आसानी से सही तरीके से कर सकते हैं और सटीक आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब सबसे पहले आज सारे प्रश्न लेंगे, प्रश्नों को लेकर उसके बेस पे हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वाला प्रश्न क्या है। अब पहला वाला प्रश्न को देखते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं पंद्रहवां है। अब ये दाएं बाएं में कई लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से क्या करें। ठीक, तो इसका कन्फ्यूजन मैं अभी दूर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, या फिर जब दाएं बाएं आए तो कैसे फट से अपने माइंड में ये ले आए कि इसमें करना क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे दाएं, ठीक है, दाएं, फिर यहाँ पर लिखता हूँ क्या, बाएं, ठीक, बाएं बाएं, इस तरीके से यहाँ पर लिखा, एक दायां लिखा है और एक बायां लिखा है। ठीक, अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ पर यह लिखा, कलर थोड़ा सा अलग चेंज कर लें ताकि अलग दिखेगा, ये दायां और ये बायां है, तो दायां बायां आए तो क्या करना है ये आपको बताऊंगा। और यहां पर यदि मैं दाएं लिखूं, दाएं, और इधर की साइड मैंने लिखा दाएं, ठीक है, दाएं, मतलब यहां पे सेम सेम लिखा मैंने। ठीक, ऊपर वाले में क्या है, अलग अलग है, ये दायां है, ये बायां है, और इधर यहां पर ये दायां है और ये भी दायां है। जब अलग अलग आए तब क्या करना है, इन नंबर के साथ में, ये प्रश्न में जो नंबर लिखा इसमें, और जब एक साथ में आए तब क्या करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपने काफी पढ़ा है ये कि मैथ्स में गणित में क्या होता है, प्लस और प्लस हम करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है मतलब संख्याएं जोड़ती है, जब दोनों नंबर प्लस का हो तो संख्या को जोड़ देते, राइट। लेकिन यहां पर रीजनिंग में क्या होता है कि जब दोनों सेम आ जाए, जब सेम यहां पर आ जाए तो यहां पर क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है इतना। अब यहां पर अब मैथ्स में फिर से आए, यदि एक प्लस एक माइनस हो तो क्या करते हैं हम, एक संख्या प्लस की एक माइनस की हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें मैथ्स में घटाते हैं। लेकिन रीजनिंग में क्या है कि जब यहाँ पर एक दाएं आए और एक बाएं आए, मतलब दोनों अलग अलग आए, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग आए, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग है, इसी टाइप से यहाँ पे दाएं और बाएं अलग अलग है, जब अलग अलग आ जाए तो क्या करना है, मैथ्स में यहाँ पे घटता है लेकिन रीजनिंग में यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब जुड़ता है। ठीक, तो कभी भी ध्यान रखना है, जब दायां दायां आए तो क्या करना है, घटा देना है, जब बायां बायां आए, क्या, जब बायां बायां भी आ जाए, ये बाएं और ये बाएं, ठीक है, बाएं, ये ऐसे इस तरीके से आ जाए तो आपको क्या कर देना है, इनको अलग, जब एक जैसे आए तो क्या कर देना है, घटा देना है, घटाव करना है, राइट, और अलग अलग आए तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पर यह कंसेप्ट ध्यान रखना है। यदि ये कंसेप्ट आपने याद रखा तब इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जो भी प्रश्न इससे जुड़ा हुआ आया, तो हर एक सवाल का आंसर आपका एकदम सही जाएगा, राइट। तो देखो अब इस प्रश्न पे आ जाए, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं पंद्रहवां है, मतलब ABCD की बात कर रहा है। तो ABCD में कभी भी बोले कि बाएं से की बात करें तो बाएं से मतलब इधर से आगे से जाना होता है, और दाएं से का बात करें तो इधर से आना होता है, राइट, इस तरीके से ये हमारा सीधा हाथ है, ये दायां है मतलब इधर से आना है, और ये बायां है तो इधर से आना है, इतना क्लियर है। अब तो ये इस तरीके से यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बाएं है और ये क्या है, दाएं है, दाएं, ठीक। ये अब यहां पे क्या बोला है कि कौन सा अक्षर बाएं से सातवें मतलब इधर से सातवें और दाएं से पंद्रहवां अक्षर है, ठीक।
तो सबसे पहले आपको नॉर्मली यहां पर बता देता हूं कि इसमें करना क्या है। तो यहां पर क्या है, ये दायां, ये बायां है और ये दायां है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पे पहले क्या करो, उत्तर में 7 प्लस क्या करो 15 कर दो। 7 प्लस क्या करें 15, क्यों, अलग अलग है, एक दायां एक बायां एक दायां है, तो क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहां पर कितना होगा, ये होगा 22, कितना होगा 22, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 22 आएगा। मतलब ये है कि एबीसीडी में इधर से ए से हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो 22वें नंबर पे जो भी अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, वो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राइट। तो कौन सा होगा 22वें नंबर पे, तो कल हमने याद किया था यूवी, ठीक है, यूवी मतलब एक लड़का है जिसने अपनी उम्र कितनी बताई थी, तो 21 22 बताई थी, मतलब ये है कि यू कितना है 21, ठीक है, यू कितना है, तो यू ये वाला है ये 21 नंबर पे, और वी कितना पे है 22 नंबर पे, यूवी तो 22 नंबर है, तो 22 नंबर पे क्या है वी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्लियर रहता। तो इस तरीके से यहां पर बहुत आसानी से बहुत आराम से निकाल लेना है, ठीक है, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, थोड़ी सी जल्दी करना है लेकिन हड़बड़ाहट नहीं करना है, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आए अगले, और अगला वाला प्रश्न क्या कहता है इसको देख लें। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कहां से बाएं से, बाएं से 22वें के बाएं 8वां होगा, ठीक है, तो बाएं से मतलब इधर से, बाएं से 22वें के बाएं 8वां होगा, तो बाएं से 22वें के बाएं 8वां होगा। यहां पर क्या है, ये भी बाएं है ये भी बाएं है, दोनों क्या है सेम सेम है, दोनों क्या है सेम सेम है, बायां बायां, तो जब भी बायां बायां बाएं अक्षर के बाएं पूछे तो फिर क्या करना है, तो यहां पर अभी बताया मैंने दोनों सेम सेम आए तो क्या करना है, घटा देना है, ठीक है, अलग अलग आए तो क्या करना है, जोड़ देना है, क्लियर है। तो यहां पर इसको क्या करो, घटा लो, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या, तो यहां पे 22 है, 22 में से किसको माइनस कर दो 8 को माइनस कर दो, ठीक है, घटा देना है, तो 22 माइनस 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां पर, ये आएगा कितना 14, ठीक है 14, क्योंकि 12 में से 8 गए तो कितना बचे 4 और 1, ठीक है, ये तो 14 आएगा। तो अब यहां पर देख लो एबीसीडी में 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट होगा, 14 नंबर पर, ठीक है, एबीसीडी टोटल कितने हैं, तो एबीसीडी में टोटल अक्षर कितने होते हैं अल्फाबेट, टोटल 26 होते हैं, ठीक है 26, तो यहां पर बीच में से डिवाइड करने वाले जो अक्षर है उसको याद रखना है, इधर एम है और इधर एन है, एम और एन, एम से इधर की साइड क्या है 13 है, और एन से उधर की साइड क्या है 13 है, 13 13 कितना होगा 26 होगा, यहां पर मैंने 28 लिख दिया है, 28 नहीं 26 होगा, कितना होगा 26 होगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये क्या बोला है कि 14वें नंबर का कौन सा होगा, भाई यहां पर ये क्या है एम एन, कल मैंने बताया ना एम एन, एम एन कैसे याद रखना है मन, तो मन यहां पे ये कितना है 13 और ये 14 है, तो 14 नंबर पे कौन सा है, 14 नंबर पे यहां पर ये है एन है, इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 22वें अक्षर के बाएं 8वां कौन सा होगा, तो ये होगा कौन सा एन होगा, कौन सा होगा एन होगा। अब इसको एबीसीडी में आप गिन भी सकते हैं, ठीक है गिन भी सकते हैं, यहां पे 14वें नंबर पे एन है या नहीं है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है, तो 14 नंबर पे क्या आया एन आया, राइट, इस तरीके से यहां पे निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद में फिर तीसरे वाले प्रश्न पे आ जाएं, वो तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, ये प्रश्न अधिकतर लोगों का गलत जाता है, क्यों, क्योंकि जो शब्दावली लिखी है शब्दावली को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो आंसर गलत आएगा, क्लियर। देखो अब यहां पे कैसे, यहां पे लिखा है अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख क्या है लिखा जाए, ठीक है उत्तरार्ध, अब कहानी यहां पे ये है कि ये उत्तरार्ध का मतलब क्या होगा, ठीक है उत्तरार्ध का मतलब क्या है, अब उत्तरार्ध को समझना है, ठीक, एक होता है पूर्वार्ध, फिर क्या होता है उत्तरार्ध, ठीक है, या फिर फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, ठीक। अब यहां पे होता क्या है कि इसमें उत्तरार्ध और पूर्वार्ध वगैरह ये सब पहले समझ लेते हैं, ठीक है, अब ये समझने के बाद इसको करेंगे। यहां पर यहां से ए से लेके हम बात करें किसकी, ए से लेके यहां पर आधी एबीसीडी मतलब यहां पे एम तक, ठीक है, ए से लेके एम तक ये कितने अल्फाबेट है 13 है, ठीक है, और 13 उधर की साइड, टोटल कितने हैं 26 है, ठीक। अब यहां से एन से हम यहां पर लकीर खींच लें, ठीक है, यहां से ये, अब ये अलग है ये और ये अलग है, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेप स्टेप, या फिर ये बोलते हैं इसको पूर्वार्ध पूर्वार्ध, राइट, क्या बोलते हैं पूर्वार्ध, ठीक, इस तरीके से यहां पे ये बोलते हैं। और फिर इसके बाद में और इसका नाम क्या है, तो और भी यहां पे देख लें, तो ये फर्स्ट स्टेप है तो उधर वाली कौन सी होगी, तो ये होगी कौन सी सेकेंड स्टेप,
कौन सी होगी, सेकेंड, मतलब आधी एन के बाद वाली जो सीरीज है उधरी वाली एन से जेड तक उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, ये पूर्वार्ध, ये उत्तरार्ध, ठीक है। तो उत्तरार्ध लिखो यहाँ पे, या सेकेंड स्टेप लिखो पहले, स्टेप स्टेप, या फिर उत्तरार्ध, उत्तरार्ध, ठीक है, उत्तरार्ध। इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। पूर्वार्ध ये है, पूर्वार्ध मतलब होता है पहले वाला, और उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद वाला, राइट। ये फर्स्ट स्टेप तो याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये इन दो शब्दों को आपको याद रखना है। उत्तरार्ध कौन सा है, बाद वाला, बाद वाली एबीसीडी, और एम से पहले वाली क्या है, पूर्वार्ध। इतना क्लियर है? अब इतना क्लियर है तो ऐसे प्रश्न आसानी से बहुत सरल तरीके से हो जाएंगे, ठीक। देखो अब यहां पे अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए या फिर लिखा जाए, तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं ये चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक। यदि उत्तरार्ध को, उत्तरार्ध मतलब कौन सा, तो उत्तरार्ध मतलब ये वाला, ये वाला पार्ट, एन से उधर वाली पूरी एबीसीडी, राइट। इसको यदि हम उल्टे क्रम में लिख दे, मतलब क्या है कि ये एन सबसे पीछे आए और जेड यहां पर आगे आ जाए, यहां पर आ जाए एन की जगह, ठीक। इस क्रम में हम लिख दें तो बाएं से 25वें अक्षर, बाएं से कौन सा, 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करें, इसको उल्टे क्रम में लिखो, ठीक है। तो यहां पे ये वाला, इसका तो कोई कहानी है नहीं अभी, ठीक है, इसको उल्टा नहीं करना है, केवल उल्टा किसने, किसको करने के लिए बोला, इसको, तो इसको उल्टा लिख लो पहले। तो उल्टा कैसे लिखेंगे, तो जेड को यहां पे लिखना है और एन को यहां पे लिखना है। तो अब यहां पे उल्टा कर दे, देखो यहां पे किस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पे एन था, तो एन अपने को इधर लिखना है और जेड यहां पे, तो यहां पे लिखना है एन, ठीक है, एन, फिर ओ, फिर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ये क्या आया, जेड आया, ठीक है, जेड आया। तो इस तरीके से हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, किसको, उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखने के लिए बोला, उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया, क्लियर। अब इसके बाद अब क्या करें, अब बोला है कि अब बाएं से 25वें अक्षर, ठीक है, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको यहां पे क्या है, 25वें अक्षर के बाएं बोला है, तो यहां पर सेम सेम आया है, ठीक है, ध्यान रखो यहां पर कि सेम सेम आया है, ये क्या है, बाएं है, और इधर की साइड ये भी क्या है, बाएं है, ठीक है, दोनों बाएं बाएं हैं, और दोनों जब सेम सेम आ जाए तो क्या करना है, तो यहां पर क्या कर देना है, सेम सेम आए तो घटा देना है, ठीक है। तो 25 में से किसको घटा देना है, चार को, तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस कितना है, 4, तो कितना आएगा, 21 आएगा, 21, ठीक है। अब 21वें नंबर पे जो भी अल्फाबेट होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, राइट। तो इधर से हम यदि गिनेंगे तो 21वें नंबर पे कौन सा होगा, तो देख लो यहां पर, इसमें यहां पर क्या है, ये वाला, तो यहां से ए से लेके एम तक गिनेंगे तो ये एम कौन सा, 13वें नंबर पे है, ठीक है, 13 के बाद में यहां पे 21 तक जाना है, तो 13 इधर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 मतलब यहां पे क्या है, एस आ जाएगा, क्या आएगा, एस आएगा। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, एस आया, राइट। तो ये हुआ इसका आंसर, एस, क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से यहां पर ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के आधार पर हमें समझना है, पूरा एक एक चीज को समझना है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ना है, राइट। तो ऐसे प्रश्न अभी जितने भी आपकी बुक में दिए हुए हैं उन प्रश्नों को यहां पर हल करें, देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और इन फंडों को अप्लाई करें। जितने भी फंडे मैंने बताए हैं, जितने तरीके बताए हैं, उनको सबको अप्लाई करें प्रश्न में, ताकि आपका हर एक प्रश्न एकदम सही जाए, करेक्ट जाए, राइट। दोस्तों इसके बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, ठीक। इसके अगली वाली क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा लेंगे उसमें। इसमें केवल कुल 3 प्रश्न, लेकिन इसलिए समझाया ताकि आपका जो वाई पार्ट है आपको करने का तरीका समझ में आ जाए और प्रश्नों के किस तरीके से आसान बना सके, राइट। तो इस वीडियो को सबसे पहले जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।